देश ने स्मृति ईरानी से बदला ले ही लिया और बनारस में उन्हें जलील करके भगाया। जी हां, बनारस में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और आम जनता ने स्मृति ईरानी की गाड़ी को रोक लिया, उन्हें गाड़ी से उतरने भी नहीं दिया, यहां तक के उनके ऊपर चूड़ी भी फेंकी गई, उन्हें आपको याद होगा कि जब मनमोहन सिंह देश के पीएम थे और इस तरह की घटना घटी थी जो हाथरस में घटी है, तो स्मृति ईरानी ने चूड़ियां भेजी थी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए। अब वक्त वही आ गया है। देश में हर जगह महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, लेकिन स्मृति ईरानी खामोश बैठी थी। ऐसे में जैसे ही जनता की नज़र स्मृति ईरानी पर पड़ी, उन्हें चूड़ियां दिखाने लगे और उन्हें खदेड़ भाग। बनारस वाले मिश्रा जी, जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, उन्होंने भी स्मृति ईरानी पर चूड़ी फेंकी और खबर है कि उन्हें हिरासत में भी लिया गया है। भी एक बड़ी खबर आ रही है कि बनारस वाले मिश्रा जी को बनारस में गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि उन्होंने वो काम कर दिखाया है जो अभी तक कोई नहीं कर पाया। स्मृति ईरानी बनारस में आने के बाद उनके गाड़ी के काफिले को रोका और उनके मुंह पर चूड़ियां फेंक के मारी है। मेरे बड़े भाई बनारस वाले मिश्रा जी ने काले झंडे दिखाए गए और अब उनका काफिला रोकने के जुर्म में सरकार ने बनारस वाले मिश्रा जी को बनारस में गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत ही गर्व की बात है। मेरे क्रांतिकारी भाई को मैं सलाम करता हूं उनके जज्बे को, और थोड़े ही समय में मैं मुंबई से बनारस के लिए निकल रहा हूं। तमाम मेरे लोगों से निवेदन है, इस समय बनारस वाले मिश्रा जी का साथ दीजिए, क्योंकि उन्होंने एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए वो कर दिया है जो बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पाए हैं। ये शुरुआती लड़ाई है, आगे बनारस वाले मिश्रा जी को अगर कोई भी तकलीफ होती है तो पूरा सोशल, हमारी जो सोशल एक्टिविस्टों की टीम है वो मेरे बड़े भाई के साथ खड़े हैं। अगले कुछ घंटों में मैं बनारस पहुंचूंगा और अपने भाई के साथ में जो भी अगर कुछ गलत होता है तो उनके साथ खड़ा रहूंगा। आप देखिए कितनी खूबसूरती के साथ, कितने जज्बे के साथ, कितने गर्व के साथ बनारस वाले मिश्रा जी ने चूड़ियां फेंक के मारी स्मृति ईरानी के मुंह पर। भैया हमें गर्व है, बनारस वाले मिश्रा जी हमें गर्व है आप पर कि आप इतने संवेदनशील होते हुए भी संवेदनशील हैं और एक बहन के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। देश में जगह जगह पे आंदोलन चल रहे हैं। वाराणसी यानी वो इलाका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है जहां से वो जीते हैं, वहां पे जबरदस्त विरोध हो रहा है देश में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ। सरदार सेना ने घेराव किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग कर रहे हैं योगी से इस्तीफा लिया जाए या फिर योगी को हटाया जाए, क्योंकि योगी के राज में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं पर हमले हुए हैं, महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वहीं राहुल गांधी भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। पहले ही जब वो हाथरस जा रहे थे उन्हें रोका गया, उन्हें हिरासत में लिया गया, लेकिन एक बार फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी निकले हैं हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। हालांकि उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर रोकने के लिए पुलिस तैयार है। पुरानी कहावत है, आज तुम्हारी कल हमारी बारी है।
कल स्मृति ईरानी ने मनमोहन सिंह के लिए चूड़ियां भेजी थी, आज जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया, उन्हें रोका, उन पर चूड़ियां फेंकी, उन्हें चूड़ियां दिखाई और फिर भगा दिया, यहां तक कि उन्हें गाड़ी से भी नहीं उतरने दिया। आपकी आवाज़।